मैं ये मानता हूँ कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है, वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी के बयान ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है, जिसके बाद भाजपा अब कांग्रेस को घेरने में लगी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि हमने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की गलतियों से कांग्रेस सरकार नहीं बनी। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस मुद्दे पर कहा कि चढ़ूनी के बयान से ये साफ है कि संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गठबंधन है। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की नहीं बल्कि राजनीति की बात कर रहा था। वहीं कांग्रेस में हुड्डा विरोधी गुट के नेता सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वह हमारी पार्टी में नहीं है, उनकी अलग पार्टी है, वे अपनी राय रख सकते हैं, मैं क्यों उनके साथ वाद विवाद में पड़ूं। तो वहीं गुरनाम चढ़ूनी ने कहा भूपेंद्र हुड्डा बुद्धिहीन है, हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना वो हमने बनाया, वो किसान वर्ग ने बनाया था। मुझे टिकट नहीं दी तो किसी दूसरे दो किसान नेताओं को दे देते, कम से कम लोगों के अंदर मैसेज तो जाता। अब किसान क्या करे, बीजेपी वैसे ही किसानों की दुश्मन है, कांग्रेसी नजदीक नहीं लगाते, इसलिए मैं खड़ा हुआ, रमेश दलाल और हर्ष शिकारा खड़ा हुआ। भूपेंद्र हुड्डा ने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने सब इनके ऊपर छोड़ दी। मैं कांग्रेस हाईकमान को ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का नेता हुड्डा को ना बनाए। पिछले 10 साल हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि किसान यूनियन ने इसका रोल निभाया। अब भी हुड्डा को बनाया तो कांग्रेस राज आने की उम्मीद ना करें। बीकेयू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि वे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने उन सब लोगों को साइडलाइन कर दिया जो पार्टी के वफादार थे। चढ़ूनी बोले, इसने रमेश दलाल को साइडलाइन किया जो राजीव गांधी मर्डर केस अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ा था, मुझे किनारे किया जबकि मैंने चुनाव में भी इनकी मदद की थी, हर्ष शिकारा को किनारे किया, बलराज कुंडू को किनारे किया, किसान लीडरों का एक ग्रुप और गया था इनके पास, उन्हें भी किनारे किया। इन्होंने कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला को भी किनारे किया और आम आदमी पार्टी को किनारे किया, अभय चौटाला को भी साइड किया। इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, चढ़ूनी ने पहली बार खुले तौर पर स्वीकार किया है कि उनका मकसद कांग्रेस की पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना था। मतलब ये साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर किसानों के साथ अन्याय करना चाहती थी। चढ़ूनी को चुनावों में सिर्फ 1170 वोट मिले। ये बहुत चिंता की बात है कि कांग्रेस संयुक्त किसान मोर्चा को फ्रंट की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, जिससे वह हरियाणा की जनता और किसानों के बीच झूठ को आगे ले जा सके। कांग्रेस और राहुल गांधी को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसानों और संयुक्त किसान मोर्चा का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये साफ है कि जमीन पर किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तभी उन्होंने कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा के राजनीतिक गठबंधन को नकार दिया है। मैं ये मानता हूँ कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे दो किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की तो सामने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, पर कहाँ जाएंगे जी। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाएं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। अच्छी भूमिका निभानी पड़ेगी विपक्ष की इनको, और वो मजबूत विपक्ष चाहिए, उसके लिए लड़ने वाला आदमी इनको आगे करना पड़ेगा।